दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं केसर का पानी पीने के अहम फ़ायदे। हाँ, देखिए, केसर का इस्तेमाल ना अक्सर हम बिरयानी या फिर डेजर्ट में करते हैं, राइट? हाँ, वैसे केसर की तासीर गर्म होती हैं, इसीलिए कई सारे एक्सपर्ट्स और साथ ही डॉक्टर्स ना सर्दियों में केसर का सेवन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि केसर में औषधि गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा केसर में कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी के साथ फॉस्फरस, विटामिन B6, थायामीन, फोलेट, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे गुण भी पाए जाते हैं, जो न शरीर को कई बीमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इतना ही नहीं, केसर का सेवन करने से शरीर को फिट रखा जा सकता है। वहीं यह पुरुषों की कई तरह की प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। आइए जानते हैं केसर के फायदे। तो देखिए दोस्तों, केसर को खाने और सूंघने से ना मासिक चक्र में अनियमितता, गर्भाशय की सूजन, मासिक चक्र के समय जो दर्द, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, ज़्यादा भूख लगना, दर्द और बेचैनी जैसी प्रॉब्लम जो होती है ना, जिसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, PMS, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। तो इसके लिए आप केसर का काढ़ा बना के पीछे या फिर पानी में केसर को रात भर के लिए छोड़ दें और अगली सुबह आप केसर वाला पानी पी लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। महिलाओं की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। और केसर के सेवन से ना सांस संबंधी प्रॉब्लम्स, मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम से निजात मिलती हैं, जिसमें अस्थमा, एलर्जी, फेफड़ों में सूजन आदि के प्रभाव को ये कम करता है। तो इसीलिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम से आपको सर्दी जुकाम भर गया है तो आप केसर का पानी पीजिए, ठीक है? और इतना ही नहीं, माइग्रेन से पीड़ित पुरुषों और महिलाओं को केसर वाले दूध का सेवन करना चाहिए। आप चाहें तो दोस्तों, चंदन पाउडर में केसर को मिक्स करके इसका पेस्ट बना के भी सर पे लगा सकते हैं या केसर का पानी भी पी सकते हैं। तीनों उपायों की मदद से आपके सिर का दर्द दूर हो जाएगा, ठीक है? और कई बार ना पुरुषों को मानसिक तनाव की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों पुरुषों के शरीर में शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो जाती हैं, इनफर्टिलिटी होती हैं, स्पर्म काउंट घट जाते हैं। ऐसे में केसर का सेवन करने से शीघ्र पतन की प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। इसके लिए आप केसर का पानी पी सकते हैं। और ना दोस्तों, पेशाब के रुक रुक के आने पर या फिर पेशाब से संबंधित कई अन्य रोग है अगर आपको, तो इसके लिए 10 से 15 मिलीलीटर केसर के काढ़े में थोड़ी सी मात्रा में नमक को मिला के पीजिए। इसे पीने से ना दोस्तों, जो आपको पेशाब रुक रुक कर आने की या फिर पेशाब में जलन जैसी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। इसके लिए आप इस काढ़े को लगातार 7 दिन तक पीजिएगा। इतना ही नहीं, सर्दी जुकाम बहुत ही साधारण सी बीमारी है और दोस्तों ये तो सर्दियों का मौसम है। इस मौसम में ना दोस्तों बहुत से वायरल फीवर जो है आते हैं लोगों को, और सर्दी जुकाम की भी प्रॉब्लम होती हैं। ऐसे में जो लोग इन बीमारियों का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करना चाहते हैं ना, वो केसर का काढ़ा बनाकर पीजिए, इससे सर्दी जुकाम में फ़ायदा होगा। दोस्तों, शायद आपको भी कभी ना कभी पेट में दर्द हुआ होगा, और पेट में दर्द होने के बहुत से कारण होते हैं, इसीलिए जब कभी भी आपको पेट में दर्द हो रहा है तो ऐसे में आप एक गिलास पानी में थोड़ी सी मात्रा में दालचीनी का चूर्ण और थोड़ा सा मात्रा में केसर को मिक्स करें, उसके बाद में इस काढ़े को पीजिए। इसे पीने से ना आप पाएंगे कि जो पेट में दर्द है वो एक दिन में ही समाप्त हो जाता है। बहुत अच्छा उपाय है, ट्राई करके ज़रूर देखें। इस उपाय को आप सुबह और शाम कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा, पेट का दर्द दूर हो जाएगा।